नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, पहला लेसन है इसमें वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव। इसमें सबसे पहले है वैद्युत आवेश, यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इसे हम बता सकते हैं, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। या फिर इसी को दूसरी प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। इसके बाद आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसके बाद आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र होता है ए टी। इसके बाद इसमें देखिए पहली कंडीशन लिखी गई है समान प्रकृति की आवेश, यानी कि अगर आवेश की प्रकृति समान हुई तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, अगर दोनों आवेश निगेटिव हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। इसके बाद विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो फिर उसमें आकर्षण होता है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव आवेश है तो उनमें आकर्षण होगा। इसके बाद प्रतिकर्षण बल ही आवेश की पहचान है, यानी कि अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तभी वहां पर आवेश की पहचान हो सकती है, आकर्षण बल से आवेश की पहचान नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला है आवेश का संरक्षण। इसमें जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित, परंतु जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह ऋणावेशित हो जाती है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दो वस्तुएं ली गई हैं, एक वस्तु ए और बी। अगर इनको रगड़ा जाएगा तो वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बी में जाएंगे, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित होती है और जिस वस्तु में जाते हैं वो वाली ऋणावेशित होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है वस्तु ए पर धनावेश, तो इस पर अगर धनावेश निकालना है तो इसका सूत्र होता है क्यू बराबर एनई, और अगर वस्तु बी पर ऋणावेश निकालना है तो क्यू बराबर एनई। इसके बाद मूल आवेश, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं, और मूल आवेश का मान 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। और प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य आवेश जो होते हैं वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज, यानी कि e, 2e, 3 होते हैं। इसके बाद अगला है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षणावेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर अगर इस सूत्र के हिसाब से करेंगे तो परिभाषा बना सकते हैं, वैद्युत बल के परिमाण तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यदि बिंदु ए पर रखे हुए धनात्मक परीक्षण आवेश, यानी कि इस चित्र में बिंदु ए पर जो धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 दिया गया, इस पर आरोपित होने वाला बल एफ हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र दिया गया है E = F/Q0, और इसका मात्रक यहाँ पे ऊपर बल दिया गया, तो बल का मात्रक न्यूटन और बटे में है आवेश, तो प्रति कूलाम, यानी कि इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है आपको तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है न्यूटन, न्यूटन यानी कि बल, और बल का विमीय सूत्र होता है ML(T^-2) और प्रति कूलाम, यानी कि ये आवेश का मात्रक है। आवेश का विमीय सूत्र अभी बताया गया आपको, इसका विमीय सूत्र होता है ET, तो ये बन जाएगा फिर ML(T^-3), ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो A^-1, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा ML(T^-3) और A^-1।
वन। इसके बाद अगला है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि जैसे लिखा गया माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो परिमाण में समान है और इनको अति अल्प दूरी पर स्थापित किया गया, तो इस प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी। यानी कि दो आवेश होते हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण लेना है और उनके बीच की दूरी 2L। यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है तो इसके बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है। तो अगर परिभाषा लिखेंगे तो ये बनेगा किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है P से और एक आवेश का परिमाण यानी कि Q और उनके बीच की दूरी हो जाएगी 2L। तो ये बन जाएगा P बराबर 2QL। यहाँ पे इसका मात्रक लिखा गया है कूलाम मीटर। आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम और ये लंबाई है यानी कि मीटर, तो बन जाएगा कूलाम मीटर। इसको सदिश रूप में लिखा गया है। इसके बाद दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसके बाद अगला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि किसी माध्यम में परस्पर r दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 स्थित हों तो इनके बीच परस्पर आरोपित वैद्युत बल। तो यहाँ पर दो आवेश लिए गए हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, और इनके बीच आरोपित होने वाला वैद्युत बल F और इनके बीच की दूरी r। तो कूलाम का नियम होता है एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू। यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि दोनों आवेशों पर निर्भर करता है। इसको आप मान लेंगे समीकरण एक। इसके बाद और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो वैद्युत बल के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होती है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू वन बटे आर स्क्वायर। इसको माना जाएगा समीकरण नंबर दो। यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, दूरी का वर्ग का व्युतक्रम जो है स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। तो ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, यानी कि इनको जोड़ना नहीं है, इनको मिलाना है, तो ये लिखा जाएगा फिर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल टू हटाया जाता है तो यहाँ पर एक नियतांक जोड़ता है, यानी कि F बराबर A Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर प्रयोगों द्वारा जो है A का मान निकाला गया है, ए बराबर होता है वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के। तो जब ए का मान यहाँ रखेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा फिर एफ बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन जीरो जो है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है और के माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि माध्यम जो है वायु या निर्वात हो तो वायु और निर्वात के लिए K का मान होता है 1। तो जब इस सूत्र में K का मान 1 रखेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा F बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। इसमें 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। यानी कि अगर ये वाला मान इस सूत्र में रखा जाए तो ये सूत्र बनेगा फिर F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस प्रकार ये कूलम का नियम हल हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें पहली कंडीशन है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो इसमें पहले दिया गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जब परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर जो निकाय प्राप्त होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना है और इसके बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O लिया गया है जिससे एक भाग की लंबाई L और दूसरे भाग की लंबाई L हो गई है। तो इसमें लिखा जाएगा पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है, इसकी लंबाई 2L है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। अब इसमें दो बिंदु आवेश दिए गए, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, इसका मध्य बिंदु O है, हमें इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे तो O से P तक की दूरी है R और O से प्लस क्यू तक की दूरी है L, तो जब हम लोग Q से लेके P तक की दूरी निकालेंगे तो R से L घटा देंगे तो ये दूरी आएगी R माइनस L, जिससे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसको मान लिया जाएगा समीकरण 1। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब माइनस क्यू से लेके पी तक की दूरी जो होगी मध्य बिंदु ओ से लेके पी तक की दूरी है आर और माइनस क्यू से लेके ओ तक की दूरी है एल, तो टोटल दूरी बनेगी R प्लस L, जिसके कारण माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसको मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब हो जाएगा अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। अब इसके बाद E बराबर E1 का मान समीकरण 1 से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस E2 का मान समीकरण नंबर 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद E बराबर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू, इसमें क्यू भी कॉमन है तो ऊपर क्यू भी कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। इसके बाद E बराबर क्यू बट्टे 4π एप्सिलॉन 0, इन दोनों का लाशा आ जाएगा R माइनस L
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसके बाद इधर जब गुणा किया जाएगा तो ये बनेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर माइनस इसका गुणा इधर वन में करेंगे तो ये आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर सूत्र लगाएंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसके बाद माइनस यहां पर जब सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। इसके बाद बट्टे, और ये सूत्र बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिखा जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा e बराबर q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसमें जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर प्लस 2RL बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद E बराबर ये हो जाएगा Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2RL और ये वाला 2RL मिलके हो जाएगा 4RL, और बट्टे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद यदि L बहुत छोटा है R से, यानी कि जो द्विध्रुव के एक भाग की लंबाई है L, वो अगर R की तुलना में बहुत कम है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के। इसके बाद ये समीकरण हो जाएगा ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 आर एल बट्टे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बनेगा ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4RL बट्टे, ये हो जाएगा R की पावर 4, इसमें R से यहाँ पर 4 कटेगा तो यहाँ पावर बचेगी 3। अब ये आएगा E बराबर 4 ये Q और L बट्टे में बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर की पावर 3। इसके बाद सूत्र होता है P बराबर 2QL, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे E बराबर 4, इस 4 को लिख दिया जाएगा 2 इंटू 2 क्यू एल, और बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर की पावर 3, और ये हो जाएगा E बराबर, इसकी जगह पे लिखा जाएगा P बराबर 2 क्यू एल, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा P बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर की पावर 3, यानी कि इसको लिखेंगे E बराबर 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी बट्टे आर क्यूब। तो अब ये अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है माइनस क्यू और प्लस क्यू से निर्मित है, इसका मध्य बिंदु O है, इसकी लंबाई 2L है जिससे एक भाग की लंबाई L और दूसरे भाग की लंबाई L हो जाती है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो इसमें माना जाएगा, पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है, इसकी लंबाई 2L है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, पहले माइनस क्यू से लेके
पी तक की दूरी अगर हम लोग निकालेंगे तो इस यहाँ माइनस क्यू से ओ की दूरी एल और ओ से लेके पी की दूरी आर, इसमें ये कोण 90 अंश हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में ये आधार और ये लंब होगा। तो अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर सूत्र बनेगा फिर कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण जब निकालेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बी से लेके पी की दूरी और ए से लेके पी की दूरी, दोनों का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट होगा और ये दोनों समान होंगे। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि जब हम लोग अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, जिससे ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये E1 और E2 दोनों समान रहेंगे। इसको मान लिया जाएगा समीकरण 1 और इसको मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हो जाएगा E बराबर, यानी कि E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। इसके बाद इसमें चूंकि E1 बराबर E2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि E1 और E2 दोनों समान हैं, तो इस स्थिति में E1 और E2 का मान बराबर होगा, तो ये बन जाएगा फिर E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे भी लिखा जा सकता है E1 स्क्वायर, क्योंकि E1 और E2 दोनों समान हैं, फिर प्लस 2E1 स्क्वायर, यहाँ पर ये भी E1 बनेगा, तो ये E1 और E1 मिलके हो जाएगा E1 स्क्वायर और cos 2 थीटा। इसके बाद E स्क्वायर बराबर ये E1 स्क्वायर और ये वाला E1 स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। इसके बाद E स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें से 2E1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। इसके बाद E स्क्वायर बराबर 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। इसके बाद ये आएगा E स्क्वायर बराबर, इसका गुणांदर करेंगे तो 2×2=4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर दिया, अगर इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो ये आ जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। इसके बाद उपचित्र में यहाँ पे हमको देखना है समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेना है ए ओ पी में, इसमें अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार आ जाएगा एल और कर्ण ये वाली भुजा यानी कि एपी, और एपी का मान पी बी के समान है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा ई बराबर 2E1 का मान समीकरण 1 से रखा जाएगा, तो E1 का मान समीकरण 1 से जब रखा जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद cos थीटा बराबर निकाला गया है L बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद आगे होगा E बराबर 1/4πε0 इंटू, और ये 2QL
टू क्यू एल बराबर होता है पी, तो ये बन जाएगा पी बटे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर वन, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर एक बटे दो, तो एक बटे दो में जब ये एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर तीन बटे दो। इसके बाद फिर यदि एल इज लेस देन आर, यानी कि एल जो है आर से बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के, तो ये समीकरण आ जाएगा ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू पी बटे, और इसकी जगह पे लिखा जाएगा आर स्क्वायर की पावर तीन बटे दो, यहाँ पर दो से ये वाला दो कट जाएगा, और ये आएगा ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी बटे आर क्यूब। इस प्रकार ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब।